प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या को लेकर भारी बवाल जारी है। 19 वर्षीय अंकिता की हत्या मामले में हरिद्वार पुलकित आर समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पौड़ी के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता गंगा भोगपुर क्षेत्र के वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी और बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। अंकिता हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में बवाल, स्थानीय लोगों ने आरोपी के रिसॉर्ट में लगाई आग, ऋषिकेश एम्स के बाहर भारी भीड़, आरोपी की रिसॉर्ट फैक्ट्री तबाह। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बीजेपी का एक्शन, आरोपी के पिता और भाई को पार्टी से निकाला, भाजपा ने पिता भाई को निकाला, पुलकित ने हत्या के बाद पुलिस को सुनाई झूठी कहानी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अंकिता भंडारी मर्डर केस में लोगों का विरोध जारी है। अंकिता के शव का ऋषिकेश एम्स में पोस्टमार्टम किया गया, रिश्तेदार शव लेकर रवाना हो गए हैं। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी भीड़ मौजूद है। इससे पहले मर्डर के आरोपी भाजपा नेता के बेटे का रिसॉर्ट ठहा दिया गया था। 19 साल की अंकिता उसके रिसॉर्ट में ही रिसेप्शनिस्ट थी। प्रशासन ने शुक्रवार रात को पुलकित के रिसॉर्ट पर बुलडोजर चलाया। शनिवार को लोगों ने रिसॉर्ट के पास बनी अंकित की फैक्ट्री में आग लगा दी। इस घटना के बाद भाजपा ने पुलकित के पिता विनोद आर्य को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। वे भाजपा नेता और उत्तराखंड सरकार के मंत्री रह चुके। आर्य भाजपा ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कल्याणकारिणी के सदस्य और यूपी के सह प्रभारी भी। पुलकित के भाई अंकित आर्य को उत्तराखंड ओबीसी कल्याण आयोग के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ था। इधर लोगों का गुस्सा स्थानीय भाजपा विधायक पर भी उतरा और लोगों ने उनकी गाड़ी के कांच फोड़ दिए। पुलिस ने FIR में दर्ज किया है कि अंकिता भंडारी 17 से 18 सितंबर से गायब थी। बाद उसके पिता ने रिसॉर्ट पहुंचकर कर्मचारियों से पूछताछ की थी। बेटी का पता नहीं चलने पर उन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अंकिता 17 सितंबर की रात करीब 8 बजे पुलकित आर्य, उसके रिसॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित उर्फ पुलकित गुप्ता के साथ ऋषिकेश गई थी। वापस आते समय तीनों आरोपियों ने चीला रोड के किनारे शराब पी। अंकिता उनके ड्रिंक खत्म होने का इंतजार करती रही। शराब पीने के बाद तीनों ने लड़की से झगड़ा किया। अतापाई में अंकिता ने पुलकित का मोबाइल भी नहर में फेंक दिया था। इस दौरान अंकिता ने रिसॉर्ट में अनैतिक गतिविधियों का विरोध भी किया था। उसने धमकी भी दी कि वह सभी को यह चलने वाली अनैतिक गतिविधियों के बारे में बता दी। इस बात से गुस्साए पुलकित और उसके साथियों ने लड़की को नहर में ढकेल दिया। शक के आधार पर जब पुलिस ने पुलकित से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी रिसॉर्ट के कमरे में रहती थी। कुछ दिन से वह मानसिक तनाव से गुजर रही थी। इससे वह और उसके दोस्त 18 सितंबर को अंकिता को ऋषिकेश घुमाने ले गए थे। देर रात सभी वहां से वापस लौट आए। लौटकर सभी रिसॉर्ट में बने अलग अलग कमरों में सोने चले गए। 19 सितंबर को सुबह अंकिता अपने कमरे से गायब थी। पुलिस की पड़ताल में यह कहानी झूठी निकली। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।